हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम 14 जून सेकेंड शिफ्ट का जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था वो समाप्त हो चुका है, तो आज के इस वीडियो में हम 14 जून सेकेंड शिफ्ट में जीके जीएस के जो कि प्रश्न आए थे सभी प्रश्नों को देखेंगे, और वो भी इंग्लिश मीडियम इंग्लिश लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो 14 जून सेकेंड शिफ्ट का जो पहला प्रश्न था कि आपका विच ऑफ देज बुक इज़ नॉट रिटन बाय अरविंद एडिगा, मतलब आपका अरविंद एडिगा द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई है। उसमें से आपका चार ऑप्शन दिया हुआ था, तीन बुक जो था अरविंद एडिगा द्वारा लिखा गया था और एक बुक जो कि नहीं लिखा गया था। तो चलिए जान लेते हैं, देज बुक्स इज रिटन बाय अरविंद एडिगा। तो ही हैज़ बीन अवॉर्डेड द मैन बुकर प्राइज फॉर हिज डेब्यूट नॉवल द वाइट टाइगर। तो द वाइट टाइगर जो कि अरविंद एडिगा द्वारा लिखा गया, सिलेक्शन डे इज़ 2016 स्पोर्ट्स नॉवल रिटन बाय अरविंद एडिगा, जो कि एक सिलेक्शन डे है जो कि भी अरविंद एडिगा द्वारा लिखा गया है। अगला है कि एडिगा सेकेंड बुक बिटवीन द एसेसिनेशंस एंड थर्ड पब्लिश बुक द लास्ट मैन इन टावर एंड सिलेक्शन डे तो देख ही लिए हैं कि अरविंद एडिगा द्वारा लिखा गया। ही इज़ द फोर्थ इंडियन ओरिजिन ऑथर टू विन द बुकर प्राइज आफ्टर सलमान रशदी, अरुण रोटी रॉय एंड किरण देसाई। तो जो आपका इतना बुक जो कि अरविंद एडिगा द्वारा लिखा गया, तो देख लीजिएगा कौन सा बुक आपका ऑप्शन में नहीं होगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विच एसिड इज फाउंड इन विनेगर, तो आपका एसिटिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनेगर विनेगर कॉन्टेंस 6 to 10% एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड CH3COOH इज ऑल्सो नॉन ए ऑल्सो कॉल्ड इथोनोइक एसिड। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है कि हु बिल्ट द इरावती टेम्पल इन तमिलनाडु, तो चोला किंग राजा राज सेकेंड जो कि आपका इरावती टेम्पल जो कि तमिलनाडु में बनवाए थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट इज़ द फीमेल लिटरेसी रेट एज पर 2000 लेवल सेंसस, तो 65.46% आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। द लिटरेसी रेट इन द कंट्री इज 74.04% एंड 82.14 फॉर मेल्स एंड 65.46 फॉर फीमेल्स। अगला है जेंट्स आर द मोस्ट लिटरेट कम्युनिटी इन द इंडिया, अमोंग द स्टेट ऑफ इंडिया केरला हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन 2011 विथ 94%। चलिए अगला है आपका वाई हुम वाज द बुक किताब उल हिंद रिटन, तो अल्बरूनी आपका जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ फेमस अरबिक बुक इन द इन विच ही कमेंटेड ऑन इंडियन सैंग्स हिंदू रिलीजन्स बिलीफ्स कस्टम्स एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। द नेम ऑफ द बुक ऑफ इल बतूता इज रेहाला, तो आप इसे भी नोट में रखिएगा। अगला है आपका विच सिंगर सॉन्ग द ए दिल है मुश्किल, तो आपका ए दिल है मुश्किल कौन से सिंगर ने आपका गाया था, तो अरिजीत सिंह इसका जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ए दिल है मुश्किल रिलीज वर्ल्ड वाइड ऑन 28 अक्टूबर 2016 ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली। द फिल्म साउंड ट्रैक कंपोज बाई प्रीतम वाज एन इंस्टेंट ब्लॉकबस्टर, दस बूस्टिंग इट्स पब्लिसिटी विथ लिरिक्स कंपोज बाई अमिताभ भट्टाचार्य एंड सॉन्ग बाई अरिजीत सिंह, तो अरिजीत सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका कृष्णा रिवर फॉलो थ्रू विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो महाराष्ट्र कर्नाटका तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, जो कि आपका इसका देख लीजिएगा ऑप्शन के अनुसार आपका कौन सा राइट हो जाएगा। द कृष्णा रिवर ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न घाट नियर महलेश्वर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। द कृष्णा रिवर फॉलोज थ्रू महाराष्ट्र कर्नाटका तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, तो देख लीजिएगा इनमें से जो भी आपका ऑप्शन में होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। द कृष्णा वैली कवर अबाउट 8% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। द रिवर हैज़ मैनी ट्रिब्यूटरीज विद द तंगभद्रा बीइंग द मेजर ट्रिब्यूटरी एंड द अदर इंक्लूडिंग मालाप्रभा, कोयना, भीमा, घटाप्रभा, येरला, वर्णा, विंडी, मुशी एंड दूध गंगा। द नगरजुना सागर डैम ऑन द कृष्णा रिवर इज द लार्जेस्ट मेसनरी डैम इन द वर्ल्ड, तो आप इसे भी नोट में याद रखिएगा। अगला है आपका द फॉक सॉन्ग कजरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, तो उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। कजरी फॉक सॉन्ग बिलोंग टू द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश एज वेल एज बिहार। कजरी फॉक सॉन्ग आर द ट्रेडिशनली
sung in the village of town of Uttar Pradesh, Banaras, Mizoram, Mathura, Allahabad and the Bhojpur region of Bihar. चलिए अगला प्रश्न है आपका, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हाउ मेनी ईयर्स, तो द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज 5 ईयर, तो 5 ईयर आपका राइट आंसर हो जाएगा. अगला है आपका, इन विच ईयर द रेगुलेटिंग एक्ट वाज पास, तो 1773 आपका राइट आंसर हो जाएगा. रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज अ लॉ पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू रेगुलेट द इंडियन टेरिटरीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मेनली इन बंगाल. चलिए अगला है आपका, इन विच ईयर वाज द गांधी इरविन पैक्ट साइन, द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइन ऑन 5 मार्च 1931 बाय महात्मा गांधी एंड द विजोशी लॉर्ड इरविन. चलिए आपका, इन दिस एग्रीमेंट गांधी एग्रीड टू एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड ज्वाइन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. चलिए आपका अगला है, विच इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द मौर्य एम्पायर, तो इसका जो आंसर हमें नहीं मिल पाया कि हालांकि इसका आंसर क्या होगा, तो चलिए जान लेते हैं मौर्य एम्पायर के बारे में. तो पाटलिपुत्रा वॉज द कैपिटल ऑफ मौर्य एम्पायर, द मौर्य डिनेस्टी और मौर्य एम्पायर वॉज पावरफुल डिनेस्टी ऑफ एंशियंट इंडिया, मौर्य डिनेस्टी रूल इंडिया फॉर 137 ईयर, द क्रेडिट ऑफ इट्स इस्टेब्लिशमेंट इज गिवन टू चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज मिनिस्टर चाणक्य. दिस एम्पायर स्टार्टेड फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ द रिवर गंगा टूडे बिहार एंड बंगाल एंड इट्स मगध स्टेट इज ईस्ट, इट्स कैपिटल वॉज पाटलिपुत्रा नियर टूडे पटना सिटी. चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन द बॉल फ्लाइज अक्रॉस द बाउंड्री इन क्रिकेट, तो आपका जो कि सिक्स कहलाता है, तो सिक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा. अ बॉल हिट्स टुवर्ड और बियॉन्ड द बाउंड्री स्कोर 4 पॉइंट एंड इट टचेज द ग्राउंड देन रीचेज द बाउंड्री 6 पॉइंट इफ इट टचेज द बाउंड्री थ्रू द एयर, जो कि फ्लाई बॉल आपका कहा जाता है. चलिए अगला है आपका, व्हाट इज द फर्स्ट मंथ ऑफ मुस्लिम कैलेंडर कॉल्ड, तो मुहर्रम, मुहर्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा. मुहर्रम इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर. अगला है आपका, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डेट नॉट सी थ्रू कॉल्ड, तो आपका जो कि ऑब्जेक्ट जिसे हम आर पार नहीं देख सकते हैं, तो क्यू आपका जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम. चलिए अगला प्रश्न है आपका, रिलेटेड टू आर्टिकल 22 आया था, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 22 नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन द कस्टडी विथ without being informed as soon as possible of the reason of such arrest, nor shall be denied the right to consult and be defended by lawyer of his choice, जो कि आपका आर्टिकल 22 से संबंधित है. चलिए अगला आया था, गुलाबो शपेरा इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म, तो कलबेलिया आपका राइट आंसर हो जाएगा. द करेक्ट आंसर इज कलबेलिया. कलबेलिया इज द डांस इज अ फोक डांस ऑफ राजस्थान स्टेट ऑफ इंडिया. इट इज ऑल्सो नोन बाय द अदर नेम्स लाइक सपेरा नृत्य और स्नेक चार्मर डांस. कलबेलिया डांस इज स्पेशली परफॉर्म बाई राजस्थानी ट्राइब कॉल्ड कलबेलिया. तो आपका ये रहा 14 जून सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन, जो कि हमने डिस्कस किया है इंग्लिश मीडियम में. तो चलिए, अगर आपका इसका PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा. आपको जो इसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.